नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार यह त्यौहार यानी कि मेष संक्रांति वैशाख मास के प्रारंभ होने पर ही मनाया जाता है। इस दिन से सृष्टि संचालक सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करते हैं, अतः समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत के साथ जो हिंदू संस्कार हैं वो इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन कार्य करने से सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती है और इस दिन नए काम की शुरुआत करने के लिए किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि अपने आप में एक सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त है। तो हम सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। प्रिय मेष राशि के जातकों, नए संवत्सर पर ग्रह आपका साथ देते दिख रहे हैं और इसके प्रभाव से जहां आपको नया अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा वहीं आपकी कार्यशैली में एक नयापन देखने को भी मिलेगा और इसी के प्रभाव से आपकी उन्नति का रास्ता खुलेगा। विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की होगी और साथ साथ शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व कर सकेंगे। आय के स्रोत बनेंगे और मकान वाहन आदि में निवेश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन आपके पास होगा। कुछ खास सामाजिक कार्यों का शुभारंभ करने का मौका आपको मिल सकता है और अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ तो सेहत आपकी उत्तम रहने वाली है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों, खर्चों में बढ़ोतरी तो होगी लेकिन भविष्य की योजनाओं पर अब आप काम कर सकेंगे। इस नए संवत्सर में आपके अंदर जो खास रचनात्मक कार्य करने की जो शैली है उसको प्रदर्शित करने का आपको मौका मिलेगा, सौभाग्य मिल सकता है। यदि आपने संकल्प ले रखा है कि इस साल नई संपत्ति में निवेश करना है तो इच्छा की पूर्ति होती दिख रही है। घर में मांगलिक उत्सव के साथ प्रियजन से निकटता और नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों, इस गोचर के प्रभाव से नौकरी व्यवसाय में लाभ होने के साथ साथ लेन देन की समस्याओं से छुटकारा मिलने की उम्मीद मुझे दिख रही है। यदि आपके साथ कोई विवाद चल रहा हो पहले से तो आप आरोपों से बरी हो सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी। नए वस्त्राभूषणों की खरीदारी के अलावा नया मकान वाहन में निवेश करने की जो आपकी योजना है उसको बल मिलेगा। मित्रों से विशेष सहयोग की उम्मीद की जा सकती है और आपका जो स्वास्थ्य है वो एकदम सामान्य रहने वाला है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों, इस खास गोचर के प्रभाव से कुछ खास बदलाव आपके जीवन में देखे जा सकते हैं। आने वाले परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और पुरानी गलतियों में सुधार करके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और समाज में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। शिक्षा साक्षात्कार में लाभ और निजी संबंधों में जो गलतफहमी पैदा हो गई थी वो दूर हो जाएगी। व्यापार में ठोस निर्णय लेकर नए अनुबंध पर काम तेजी से हो सकेगा। आपकी योग्यता को देख करके नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है और सबसे अच्छी बात यह होगी कि घर परिवार में मांगलिक उत्सव इस दौरान हो सकता है। अगर उस पर बात चल रही थी तो शीघ्र ही वो फाइनल हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। आपके अंदर कार्यकुशलता का गुण जो है वो विकसित होगा और रुके हुए कार्य को अब आप अपने हिसाब से गति दे पाने में सफल रहेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पराक्रम के साथ यश और कीर्ति में भी वृद्धि के स्पष्ट संकेत जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर होने लगेगा। इससे चीज़ें आपके लिए और भी सुलभ होती चली जाएंगी। भविष्य की कार्य योजना के साथ बचत योजनाओं पर भी आप काम कर सकेंगे। नई वस्तुओं को खरीद फरोख्त में आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आपके पास रहेगा और मांगलिक उत्सव पर आपके घर परिवार में चर्चा होगी। घर में नया मेहमान इस दौरान आपके यहाँ शामिल हो सकता है, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। यदि पूर्व से कोई कानूनी विवाद आपका चल रहा हो तो उसके हल हो जाने में थोड़ा सा समय भी और लग सकता है। धैर्य का परिचय आपको देना होगा। अपने विरोधियों से उलझने का बिल्कुल भी प्रयास आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्य में व्यस्तता आपकी रहेगी और कोई भागा व्यक्ति आपके सहयोग के लिए आगे आ सकता है। आंख बंद करके आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना, इस बात का आप खास ध्यान रखें। आपके रिश्तों में जो दूरी बन गई थी, प्रियजन के साथ कोई बात अगर ऊंच नीच हो गई, उतार चढ़ाव जो आ गया था रिश्तों में, यह भी अब नज़दीकी में बढ़ जाएगी, यानी कि नज़दीकियाँ बननी संभव है। आपको कुछ नया करने की प्रेरणा आपको ये आपके जो मित्रजन हैं, जो आपके प्रियजन हैं, वो आपको देंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से प्रियजन के साथ विचार मिलाने में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन आप आराम से सब कुछ संभाल लेंगे। नूतन व्यापारिक संबंधों का जो है वो विस्तार होगा और संतान की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग का आग्रह आपके लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा साक्षात्कार में सफलता मिलेगी और स्मरण शक्ति बढ़ेगी आपकी।
प्रियजन की तरफ से व्यक्तिगत जीवन में और कार्य क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। प्रशासनिक कार्यों में अभूतपूर्व तरक्की के साथ नई योजनाओं पर हस्ताक्षर किया जा सकता है और सेहत की दृष्टि से जो है वो समय मुझे आपके पूरी तरह से अनुकूल दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। यदि आपका कोई विरोधी है तो वो इस दौरान सक्रिय हो सकता है। जी हाँ, खास ध्यान दें इस बात में, अगर आपका कोई विरोधी है तो वो इस दौरान सक्रिय हो सकता है, इसलिए आपको अपने आसपास जो घट रही घटनाएं हैं उन पर नजर रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भागदौड़ और अनावश्यक खर्चों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते हुए अपनी योजनाओं और बजट की रूपरेखा आपको बनाने की मैं सलाह देता हूँ। कुछ एक चीज़ों में जो फल है वो मिश्रित रूप में मिलेगा और साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि दूसरों के मामले में रुचि दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे आपका समय और पैसा दोनों खराब होंगे। और प्रतिकूल समय आपका, अगर आप अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो प्रतिकूल समय आपको जल्दी काटने में आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मध्यम दिखाई दे रहा है, इसलिए खान पान का आपको खास ध्यान रखना है और मैं विशेष सलाह आपको दूंगा कि नशीले पदार्थों के सेवन से आप दूर रहें तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं धनराशि के बारे में। नए संवत्सर के अवसर पर होने वाले इस गोचर के प्रभाव से नौकरी में तरक्की होगी और व्यापार का विस्तार करने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मन में भविष्य के लिए नई योजनाओं का सृजन आपके मन में हो पाएगा और किसी के सहयोग से इसे आप लागू भी कर पाएंगे। संपत्ति की खरीद फरोख्त तो यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और सम्मान मिलेगा। इस गोचर का खास प्रभाव ये भी हो सकता है कि भौतिक सुख साधनों पर आप आराम से खर्च कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। शत्रुओं की योजनाओं को विफल करके उसका लाभ आप अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे। और अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। सूर्य का केंद्र भाव में आना कुछ हद तक आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन आप कई चीज़ों को लेकर अनिर्णय की स्थिति में भी रह सकते हैं। यह युग है कि इस दौरान कन्फ्यूजन की स्थिति आपके पास ज़्यादा रहेगी, आप महसूस करेंगे ऐसा। आप बड़े निर्णय अकेले बिल्कुल भी ना लें, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, जैसे कि नवीन कार्य थोड़ा देर से प्रारंभ होंगे। भौतिक संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुटुंब में नए लोग आपके शामिल हो सकते हैं और प्रशासनिक सेवा का लाभ आपको किसी परिचित के माध्यम से मिल सकता है। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है और आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा और यात्रा के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। व्यावहारिक जीवन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस गोचर के प्रभाव से और अधिकारियों से प्रशंसा के साथ पदोन्नति का मार्ग भी आपको खुलेगा। यदि इस दौरान साक्षात्कार देने आपको कहीं जाना है तो शांति संयम और धैर्य के साथ आप शामिल हो, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलने वाली है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ उनके भरोसे रहकर काम करने की मंशा जो है आपके मन में, उसे आपको त्यागना पड़ेगा। या फिर जो राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, उनको ग्रहों का जो है वो पूरा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। अपने आराध्य देव की उपासना आपको करनी चाहिए, इससे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप सूर्य गायत्री मंत्र का जाप इस दौरान करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। इनकम के साथ अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, जबकि नेत्र पीड़ा की वजह से भी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। आपकी अमर्यादित भाषा से किसी परिजन या किसी खास जानकार को शिकायत हो सकती है, इसलिए आपको अपनी बोलचाल के दौरान शब्दों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कामकाज की अधिकता के कारण थकान महसूस होगी और कोई आपको अपने साथ साझेदारी में काम करने की सलाह दे सकता है, इस प्रस्ताव को आप ध्यान से स्वीकारें। कुछ काम आखिरी निर्णय पर टल भी सकते हैं, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको क्या करना, बेहतर तरीके से उस काम को भविष्य में शुरू करने की योजना बनानी चाहिए। धार्मिक कार्य और समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी और ऐसा करना आपके हित में होगा। दर्शकों, मैंने एक बात करी एक सामान्य फल के बारे में, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो किसी भी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमसे, www.starstell.com, और हमारा फ़ोन नंबर है 8588800990। तो इस आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी परेशानी में आपकी मदद करें। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstell.com। नमस्कार।